Assalamu alaikum, this is Nadia Hussain. Welcome to my YouTube channel. Guys, thank you so much for such an amazing response. मेरी जो स्किन केयर की जो प्रोडक्ट्स लॉन्च हुई हैं उसमें आप लोगों का इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स रहा है और मुझे इतना अच्छा फीडबैक आ रहा है रिगार्डिंग द स्किन केयर प्रोडक्ट्स दैट आई एम ट्रूली ओवरवेल्म्ड और मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि एक्नी और पिगमेंटेशन एक ऐसा मसला है जो कि हर घर में और आई वुड से कि हर औरत किसी ना किसी वक्त पर जो है ये इन प्रॉब्लम से गुजरती है तो एंड ऑफ कोर्स नॉट जस्ट औरत यू नो लाइक बच्चे भी मर्द भी तो जो मेरी स्किन केयर रेंज है वो हर एज ग्रुप के लिए सूटेबल है और हर जेंडर के लिए सूटेबल है. इसके अंदर मेन या वुमेन का कोई इंक्लूजन नहीं है लेकिन ऑफ कोर्स ज़्यादातर जो वुमेन होती हैं वो ज़्यादा आई वुड से कि फोकस करती हैं अपनी स्किन केयर के ऊपर. सो बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स रहा है मेरी स्किन केयर प्रोडक्ट्स का. थैंक यू सो मच. वीडियो शुरू करने से पहले आपको पता है कि आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, फीडबैक देना है, कॉमेंट देना है और शेयर करना है मेरा चैनल. जितना भी आप फीडबैक देते हैं उतना ही जो है वो हमें और ख़ासतौर पे मुझे मेरी हौसला अफजाई होती है. ओके सो मूविंग ऑन नाउ स्किन केयर की तो प्रोडक्ट्स मेरी लॉन्च हो चुकी हुई हैं और आप लोगों का इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया है. साथ ही साथ अब जो है वो मैंने जो इंट्रोड्यूस किया है दैट इज़ अ रेंज ऑफ शीट मास्क. आप ये देख सकते हैं कि जो शीट मास्क मैंने लॉन्च की हैं उसके अंदर सबसे पहला जो एक रेंज है या सबसे पहला जो एक वर्जन है दैट इज़ द हेयर मास्क. ये आर्गन ऑयल का हेयर मास्क है और ये बहुत ज़्यादा आपके बालों के लिए नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा. उसके अंदर आपको आपके बालों में बड़ी अच्छी शाइन देगा, फ्रिजी बालों को कंट्रोल करेगा, जो अनमैनेजेबल बाल होते हैं उनको कंट्रोल करेगा, ड्राई डैमेज्ड बालों को जो है वो बेहतर बनाएगा. अभी इसका जो यूज़ है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी लेकिन चलते हैं कि और किस किस्म के मास्क हैं मेरी रेंज में. ओके जी, जो दो और किस्म के मास्क हैं वो हैं एक ये हैंड मास्क, ये है लैवेंडर नरिशिंग हैंड मास्क और ये जो है एक्सफोलिएटिंग फुट मास्क है. ये दोनों बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स हैं. मुझे इतनी ज़्यादा क्वेरीज आती हैं कि जी हैंड एंड फुट की यू नो को साफ करने के लिए और हैंड एंड फुट के लिए क्रीम्स कुछ बता दें, हैंड एंड फुट के लिए कुछ सीरम्स बता दें, तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन जो आप हैंड एंड फुट के लिए कर सकते हैं. हैंड के लिए अगर हम चलते हैं दिस इज नरिशिंग केयर. इसमें जो है वो आपको आपको बहुत अच्छे आपके हाथ जो हैं वो आपके बड़े सॉफ्ट नर्म मुलायम हो जाएंगे और हाइड्रेटेड रहेंगे, ठीक है. और जो फुट मास्क है, फुट मास्क तो बड़ा ही ज़बरदस्त है. इसमें एक्सफोलिएटिंग फुट मास्क है जो आप की जो यू नो लाइक ड्राई एंड डेड स्किन होती है, जो खुरदरी सी एड़ियाँ होती हैं और जो बिल्कुल जो जब पाँव इतने ज़्यादा ख़ासतौर पे अब मौसम भी चेंज हो रहा है तो अब जो है वो और ज़्यादा पाँव का हमें ख्याल रखना है, तो ये एक्सफोलिएटिंग जो फुट मास्क है इससे आपकी जो डेड स्किन है वो उतरेगी. इसको भी लगाने का तरीका मैं आप लोगों को बताऊँगी लेकिन चलते हैं आगे भी और किस किस्म के मास्क हैं. ओके माय गॉड, आई हैव अ रेंज ऑफ फेस मास्क. सो ये है सारी रेंज फेस मास्क की. इसमें जो है ये है एवोकाडो फेस मास्क, ये है ब्लूबेरी फेस मास्क, ये है सीवीड फेस मास्क, ये है पोमोग्रेनेट फेस मास्क और ये है लेमन फेस मास्क. नाउ जल्दी जल्दी से मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके फ़वाद क्या हैं. शीट मास्क मेरी तो फेवरेट, इट्स माय नाइट टाइम फेवरेट थिंग टू डू कि मैं आराम से शीट मास्क लगा के अपना कोई ना कोई कोई चीज़ देख रही होती हूँ या कोई चीज़ पढ़ रही होती हूँ लेट नाइट, यू नो आराम से अपना शीट मास्क लगा के बिस्तर में बैठ गए और उसके बाद जो है वो मेरा फेस हाइड्रेट भी हो रहा होता है और मैं जो हूँ दैट्स अ नाइट टाइम रूटीन दैट आई लाइक टू डू. बट
शीट मास्क जो है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप सिर्फ नाइट टाइम में करें, शीट मास्क जो है वो आप डे टाइम में अपने मेकअप से पहले किसी भी वक्त पे जो है वो आप आराम से लगा सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स असल जो इसका मकसद होता है दैट इज़ कि आप अपनी फेस को जो है वो उसके ऊपर सिरम रहने दें और सिरम को जो है वो अब्सॉर्ब होने दें इनटू द स्किन। तो इसी वजह से मेरे लिए बेस्ट टाइम है कि वो नाइट टाइम पे लगाएं, लेकिन आपको अगर सूटेबल रहता है आप डे टाइम में भी लगा सकते हैं अगर आपके पास इतना टाइम है, क्योंकि इसमें अप्रॉक्सीमेटली आपको 15 से 20 मिनट से आधा घंटा तक जो है वो आप इसको लगा के आपको छोड़ना है। ओके, अब जो एवोकाडो फेस मास्क है दैट इज़ रिवाइटलाइजिंग, और जो ये ब्लूबेरी फेस मास्क है ये है रिपेयरिंग शीट मास्क, जो ये सीवीड है ये है नेचुरल स्किन केयर मास्क, और जो ये पोमोग्रेनेट है दैट इज़ फर्मिंग फेशियल शीट मास्क, और जो ये लेमन है दैट इज़ वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग शीट मास्क। तो इन सबको लगाने का और इस्तेमाल करने का तरीका जो है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले जो है वो मैं शुरू करती हूँ इन फैक्ट विथ द शीट मास्क जो फेस के लिए है, ताकि ये कि फेस पे मैं लगा लूँ, उसके बाद फिर मैं हाथों और पाँव की तरफ आती हूँ। ओके, इनमें से कोई सा भी प्रोडक्ट है वो मैं लगा लेती हूँ। लेट्स ट्राई द सीवीड फेस मास्क। ऑफ कोर्स आपको जो है वो इसको ऊपर से इसका फॉइल पैकिंग को खोलनी है और इसके बाद इसके अंदर जो निकलेगा वो मैं आपको दिखाऊंगी। ओके गाइस, इसके अंदर इस किस्म का एक पैक हुई भी चीज़ एक आपको मिलती है। अब इसके अंदर सिरम जो है वो इसका अपना सिरम जो है वो बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते होंगे कि ये इस वक्त जो है वो ड्रिप भी कर रहा है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा बहुत जो है वो आप सिरम को जो है वो इसी के अंदर हल्का सा इसको सिरम को जो है वो आप एक्स्ट्रा सिरम को जो है वो आप इसको वापस से जो है वो इसके पैकेट के अंदर आप इसको थोड़ा सा स्क्वीज़ आउट कर लें, ठीक है। फिर जो है वो आपने क्या करना है कि इस शीट मास्क को, ये इसके अंदर जो पेपर मौजूद है ना, ये पेपर बड़ा अच्छा आपके लिए आसानी हो जाती है शीट मास्क को फेस पे लगाने के लिए, बिकॉज जनरली शीट मास्क जो होते हैं वो बड़े क्योंकि फ्रेजाइल होते हैं, टिश्यू टाइप यू नो लाइक प्रोडक्ट का बना हुआ होता है, जिसकी वजह से ये चिपक भी जाता है क्योंकि गीला है और फट भी जाता है टाइम्स। तो ये जो पेपर है ये बड़ा मजबूती देता है इस शीट मास्क को। तो आपको क्या करना है कि आपको इसको खोलना है इस तरीके से, ठीक है। अब ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर इसका जो आईज़ का जो कटआउट है, इसका नोज़ का कटआउट है और इसका माउथ का भी कटआउट आ रहा है। अच्छा, सबसे ज़रूरी ये चीज़ है कि आपको जो पेपर वाली जो चीज़ है वो आपको बाहर की तरफ रखनी है, ताकि ये है कि शीट मास्क जो टिश्यू वाला शीट मास्क है वो आप अपने जब फेस पे लगाएंगे तो उसके बाद आप पेपर को जो है वो फ़ौरन से ऐसे रिमूव कर लेंगे। सो लेट मी शो यू, ये इस तरीके से जो है वो आपको अपने फेस पे शीट मास्क लगाना है। आहिस्ता आहिस्ता आप इसकी सिरम को भी जो है वो मल सकते हैं, और अब जो है वो आप सिर्फ इस पेपर को रिमूव कर ले तो ये जो शीट मास्क है ये आपके फेस पे लग जाता है, ठीक है। अब इस शीट मास्क को एडजस्ट करें, इसके ऊपर भी जो सिरम लगा हुआ है वो आप अपने हाथों पे लगा सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी बड़ा सिरम लगा हुआ होता है। ये जो पेपर है, जाहिर है ये पेपर जो है ये यूज़लेस पेपर हो जाता है अब तो, लेकिन जो ये पेपर है इसके ऊपर जो सिरम लगा हुआ है वो आप आराम से अपने हाथों पे अच्छी तरीके से लगा लें, ताकि कोई सिरम जो है वो ज़ाया ना हो, ठीक है। उसके बाद इस पेपर को आप फेंक सकते हैं, फिर जो है वो आप इस शीट मास्क को एडजस्ट करें अपने आईज़ एंड नोज एंड माउथ के मुताबिक। ओके जी, आप देख सकते हैं कि ये शीट मास्क मेरे फेस पे जो है वो मैंने लगा लिया है। आईज़ का कटआउट, नोज़ का कटआउट और माउथ का कटआउट जो है वो मैंने उसको उसी तरीके से अपने फेस के ऊपर एडजस्ट कर लिया है। इसके अंदर जो सिरम है ये बहुत ज़रूरी है, बहुत फ़ायदेमंद है, इसको फेंकना नहीं है, इसको अभी सेव करना है और इसको इसी तरीके से पैकेट में जो है वो मैं इसको अभी अलग कर रही हूँ, ठीक है। बिकॉज जब ये फेस मास्क अच्छी तरीके से ड्राई हो जाएगा 15-20 मिनट के बाद, उसके बाद इस फेस मास्क को जब आप रिमूव करेंगे तो इसके अंदर जो सिरम मौजूद है उसको जो है वो आप अपने फेस पे अच्छी तरीके से रब करेंगे, पूरे हैंड्स एंड फीट हर तरफ आप मल सकते हैं, बिकॉज
काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी है सीरम की, जो एक्स्ट्रा सीरम है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी है, तो वो आप अपने फेस के ऊपर और अपने नेक एंड अपनी जो चेस्ट एरिया है, इंक्लूडिंग अगर आपको बैक चाहिए है, शोल्डर चाहिए, आर्म्स चाहिए, कहीं पे भी चाहे वो आप अपनी बॉडी पे लगा सकते हैं। ओके जी, अब हम चलते हैं हेयर मास्क की तरफ। आर्गन ऑयल, आपको पता है आर्गन ऑयल बहुत ज़्यादा मुफीद है आपके बालों के लिए, आपकी बालों के टेक्सचर के लिए, आपके बालों ड्राई और डैमेज बालों को यू नो स्मूथ करने के लिए, उनको हाइड्रेट करने के लिए, आपके टेक्सचर को अच्छा करने के लिए जो ये आर्गन ऑयल होता है ये बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। तो ये जो हेयर मास्क है ये है आर्गन ऑयल का हेयर मास्क। इसको लगाने का जो तरीका है ये मैं आपको बता देती हूँ। इसमें आपको असल में थोड़े से, जब आप शैम्पू करके अपने बालों को हल्का हल्का सा गीला होता है, जब आपके बाल गीले होंगे उस वक्त आपको लगाना, लेकिन मेरे बाल क्योंकि इस वक्त गीले नहीं है तो मैं फिर भी आपको लगा के सिर्फ इसकी एप्लीकेशन बता रही हूँ। लेकिन इसके अंदर जो है वो आपको हल्के से गीले बालों के अंदर आपको अगेन इसी तरीके से मास्क को निकाल के अपने बालों के को पूरी तरीके से लपेट के, और उसके बाद जो है वो आपने इस मास्क को अपने पूरे हेड के अराउंड आपने उसको फिक्स कर लेना है, ठीक है। सो लेट्स ट्राई द हेयर मास्क राइट नाउ। ओके, सो ये जो हेयर मास्क है ये इस तरीके से ड्राई एक पैक में आता है। इसके अंदर ये आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा जो है वो हेयर मास्क इस तरीके से आपको मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर जो है वो ये देखें, अब ये जो हेयर मास्क है ये आपको ऊपर से जो है ये हेयर मास्क ड्राई है, ठीक है, और अंदर से जो है ये, क्योंकि इसके अंदर अब आप ये देख सकते हैं कि ये एक कैविटी बनी हुई है इस तरीके की, इसके अंदर आपको अपने बालों को जो है वो लपेटना है। इसको लगाना कैसे है, ये जो स्टिकर होगा ना ये आप इसको रखेंगे इस एंगल पे नीचे और इसको अपनी तरफ फेस करेंगे, जो ये इसका अंदर का जो होल है वो अपनी तरफ फेस करेंगे। और इस वक्त जो है वो मैंने अपने बालों को जो है वो एक पोनी में बांधा हुआ है, इसको जो है वो आप इस तरीके से अपने बालों पे लगा लेंगे, ठीक है, इस तरीके से अपने बालों पे लगा लेंगे। ये स्टिकर जो है वो अब आ गया है ऊपर, ठीक है, और अब जो है वो आप इस स्टिकर को पील करेंगे, और पील करने के बाद इसको टाइट तरीके से इसको आप चिपका लेंगे। ओके, अब जो ये मैंने अपने बालों को जो है वो इस तरीके से लपेट लिया है, लपेटने के बाद अब अच्छे तरीके से मैं अपने बालों को जो है वो इस जो भी इसके अंदर जो सीरम है वो उसमें मैं अच्छे तरीके से इसको इस तरीके से मसाज कर रही हूँ, और मसाज करने के 15 से 20 मिनट के बाद जो है वो आपको इस मास्क को हटा देना है, ठीक है। सो दिस इज़ लाइक अ गुड ट्रीटमेंट जो कि आपके अपनी बॉडी हीट के साथ जो है वो आपके अपने बाल जो हैं वो अच्छी तरीके से कंडीशन भी हो जाते हैं, और अच्छे तरीके से आपको इसको मसाज करना है इनटू द हेयर, ठीक है। तो जब आप इसको लपेटेंगे, लपेट के जो है वो अपने बालों को पूरे इसके अराउंड आप हेयर मास्क लगा देंगे, फिर आप इसको अच्छे तरीके से मसाज करेंगे अपने बालों के अंदर, ताकि बालों के अंदर ये जो भी इसका सीरम है वो अच्छे तरीके से एनरिच हो जाए, ठीक है। और इसके बाद 15 से 20 मिनट के बाद आपको इस मास्क को रिमूव करके अपने बालों को जल्दी से रिंस करना है, ठीक है। सो दिस इज़ लाइक अ हेयर मास्क। ऑफ कोर्स हेयर मास्क में जो है वो आपको थोड़ा सा टाइम देना होता है, इट्स नॉट जस्ट लाइक अ वॉश एंड गो, आपको 15 से 20 मिनट लगा के उसके बाद उसको वॉश करना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब हम चलते हैं फुट मास्क की तरफ। जो फुट मास्क है ये एक्सफोलिएटिंग फुट मास्क है, इससे आपकी जो जो बिल्कुल जो आपके ड्राई एंड डैमेज जो आपकी एरिया हैं, जो आपके यू नो जितनी भी आपकी डेड स्किन है, ख़ास तौर पे एड़ियों के ऊपर जो डेड स्किन होती है वो आप
इस मास्क के साथ फुट मास्क है, इसको जब आप लपेटेंगे अपने पाँव के अराउंड, इसके बाद आपकी जितनी भी डेड स्किन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से उतर जाएगी। इसको कम से कम 2 से 3 दिन लगते हैं इसकी पीलिंग स्टार्ट होने में, ठीक है। तो आपको जो है वो इसको पूरे तरीके से अच्छे तरीके से अपने पाँव को लपेटना है इन टू द फुट मास्क और उसके बाद इसको छोड़ना है कम से कम 1 घंटे के लिए 1.5 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए भी आप उसको छोड़ सकते हैं। और उसके ऊपर आप सॉक्स भले पहन लें या कोई ऐसी चीज़ पहन लें, और उसके बाद जो है वो आपने इसको उतारना है, और फिर 2 से 3 दिन के बाद इस आपकी पाँव की पीलिंग शुरू होगी। जो स्किन की जो पीलिंग है, पाँव की स्किन की पीलिंग, एड़ियों की पीलिंग, जहाँ पर भी डेड स्किन है, ड्राई स्किन है, वो पीलिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो उस वक्त आपको पीलिंग के दौरान बड़ा केयरफुल रहना है, आपको खींचना नहीं है अपनी स्किन को, आपको रहने देना है। जो पील हो रहा है उसी तरीके से आपको उस स्किन को रहने देना है, ठीक है। लेट इट पील नेचुरली। ओके, लेट्स कम टू द एप्लीकेशन। ओके गाइस, अब जो है वो मैं आपको जो पाँव के जो एक्सफोलिएटिंग मास्क है, जो फुट एक्सफोलिएटिंग मास्क है, ये मैं आपको लगाने का तरीका बताऊंगी। इसको अगेन आपको पैक को खोलना है, इसके अंदर भी अगेन एक ड्राई एक इस किस्म का पैक निकलेगा, ये ऊपर से वेट नहीं है, ठीक है। ये अंदर से जो है वो इसके अंदर सीरम मौजूद है। अब इसके अंदर ये पाँव के ये शेप बने हुए हैं, ये ऐसे, ठीक है। सेंटर में जो है वो एक डिवाइड एक आता है इस तरीके से, सेंटर में डिवाइड है, सेंटर में जो डिवाइड है ये आपको सीजर से कट करना है। अब ये हो गए हैं 2 हिस्से, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये अच्छा खासा बड़ा पाँव का साइज़ है, तो ये आदमी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यू नो ख़वातीन तो ज़ाहिर इस्तेमाल कर सकती, लेकिन ये कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, इसके अंदर अच्छा खासा बड़ा पाँव आराम से फिट आ जाएगा। इस पैक में आपको स्टिकर्स भी इसके साथ आते हैं, इसी पैक के अंदर ही जो है वो स्टिकर्स आते हैं। ये आपको जो है इस किस्म से, ये दो जो चिपके हुए थे इकट्ठे हुए हुए थे, मैंने इन दोनों को अलग किया है। ओके, आपको अब करना क्या है कि ये जो हिस्सा है, जो हल्का सा जो ये निकल रहा है, इस हिस्से में जो है वो आपको स्टिकर लगाना है, ठीक है। तो आपको ये जो हिस्सा है, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये आपका हिस्सा है जहाँ से पाँव अंदर जाएगा, ठीक है। तो इस हिस्से को जो है वो अब हम कट करते हैं, और एक अंदर पाँव की एंट्री के लिए जो है वो हम इसको इसके अंदर एक स्लिट बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो पूरा आपको इस शीट को कट करना है ऐसे, ठीक है। अब इसके अंदर जो है वो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये पूरा एक खाना है, जो कि पाँव के लिए, पाँव को अंदर डालने का एक खाना बन जाता है, एक पूरी यू नो लाइक फिल्म है। इसके अंदर सीरम भी है, ये आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा सीरम जो है ये सीरम से कोटेड है, ठीक है। अब जो है वो आपने इसको अपने पाँव को इस तरीके से अंदर डालना है, ये ठीक है, ये पाँव आपका पूरा इस तरीके से अंदर चला गया है। और अब जो है ये स्टिकर लेके, एक सिंगल स्टिकर जो है वो एक पाँव के लिए तो है, तो आपको एक स्टिकर लेके आपको इसको ऐसे करके मोड़ना है, और यहाँ से जो है वो ये स्टिकर आपको लगा देना है, ठीक है, ताकि अब जो है वो आपका पाँव इस तरीके से इस मास्क के अंदर इनक्लोज हो गया है, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे पाँव को भी आपने एग्जैक्ट सेम तरीके से आपने इसको करना है। ओके गाइस, मेरे दोनों जो पाँव हैं वो इस फुट मास्क में पैक हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं कि इसको जो है वो इस तरीके से, इसके ऊपर अगर आपको मोज़े पहन के घर में घूमना है, आप मोज़े भी पहन के घर में घूम सकते हैं आराम से जो है वो आप इसको यू नो लगा के, ताकि ये कि जो सीरम है वो अच्छे तरीके से आपके पाँव के हर एरिया को कोट कर ले, ठीक है। और उसके बाद आपको जब आप इसको 1.5 घंटा 2 घंटा तक जो है वो आप इसको छोड़ेंगे, उसके बाद आपको ये जो मास्क है ये आपको रिमूव करना है,
और अपने पाँव को अच्छे तरीके से धो के और फिर आप अपने पाँव के ऊपर कोई भी जो है वो क्रीम लगा सकते हैं, क्योंकि इसके साथ जो है वो इस मास्क के साथ आहिस्ता आहिस्ता पीलिंग शुरू होगी। 2 से 3 दिन के बाद आहिस्ता आहिस्ता पीलिंग शुरू होगी आपके पाँव की स्किन की, तो उस दौरान जो है वो आप अपने पाँव को अच्छे तरीके से हाइड्रेट ज़रूर रखें, ठीक है। ओके गाइस, इस वीडियो की रिकॉर्डिंग के दौरान जाहिर है 15 से 20 मिनट तो गुजर ही गए हैं, तो अब जो है वो मेरा फेस मास्क ड्राई हो गया है। आप देख सकते होंगे कि इसका कलर भी जो है वो वाइट हो गया है। पहले जब ये गीला गीला था तो फेस पे चिपका हुआ था तो वो स्किन कलर जो है वो नज़र आ रहा था, अब क्योंकि ड्राई हो गया है तो ये मास्क जो है जो ये जिसका जो टिश्यू वाला जो कलर है सफ़ेद सफ़ेद वो नज़र आ रहा होगा। तो अब मैं जो हूँ वो इसको पील ऑफ कर लूँगी क्योंकि ये ड्राई हो चुका है। तो ये जो है ये शीट मास्क होता है इस तरीके का, ठीक है। और अब क्योंकि ये ड्राई हो गया है तो इसको जो है वो हम डिस्कार्ड कर देंगे, और अब जो है वो इसके अंदर जो मैंने आपको पहले भी बताया था इसके अंदर जो सीरम मौजूद है इसको आप इस्तेमाल करेंगे अपने फेस को फर्दर मसाज करने के लिए। लेकिन क्योंकि इसके अंदर सीरम की क्वांटिटी एक्स्ट्रा है, ये देखें ये सीरम की क्वांटिटी काफ़ी है इसके अंदर, तो अब जो है वो आप इस सीरम को आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने हैंड्स एंड फीट पे भी। तो अब इस तरीके से मैंने अपने हाथों के अंदर ये सीरम निकाला हुआ है और इसको मैं इस तरीके से लेकर अच्छे तरीके से ऑल ओवर माय फेस इसको मैं रब कर रही हूँ, ठीक है। अभी बाल मैंने लपेटे हुए हैं, बालों का भी जो है वो उतारने का टाइम आ ही गया है। अब ये अच्छे तरीके से मैं अपने फुल बॉडी पे आर्म्स नेक हर तरफ जो है वो मैं इसको स्प्रेड करूंगी, ठीक है। इसके अंदर अभी भी जो है वो और सीरम मौजूद है, ये आप देख सकते हैं कि ये सीरम जो है वो निकल रहा है, ये देखें ये इसमें कितना सीरम मौजूद है, अच्छा खासा सीरम मौजूद है जो कि बल्कि अब हल्का हल्का सा लीक भी कर रहा है। तो अब जो है वो आप इसको पूरी अच्छे तरीके से जितना भी हो सके इसको ऑल ओवर द बॉडी आप लगाएं। अभी तो मैंने पाँव पे जो है वो अपना फुट मास्क लगाया हुआ है, लेकिन मैं जो हूँ वो अपने शिन्स और जो मेरी जो घुटने हैं वो उस तरफ जो है वो मैं पूरी तरफ लगा रही हूँ, जहाँ पे भी ये सीरम जो है वो लग सकता है वहाँ पे मैं ये सीरम लगा रही हूँ, ठीक है। तो ऑल ओवर जो है वो आपको ये सीरम लगाना है, इसके अंदर जितना भी सीरम मौजूद होगा आप इसको ज़ाया बिल्कुल मत होने दें और इसको जो है वो आप अच्छे तरीके से अपने फेस एंड नेक एंड बैक एंड यू नो आर्म्स एंड लेग्स हर तरफ आप इसको लगा लें, ठीक है। और ये बड़ी अच्छे तरीके से बड़ी जल्दी अब्सॉर्ब भी हो जाता है और बहुत अच्छी आपको स्मूथ सिल्की फीलिंग भी देता है। ओके जी, अब हम चलते हैं हैंड मास्क की तरफ। ये जो हैंड मास्क है अब मैं इसको आपको लगाने का तरीका बताऊँ। ये भी जो मास्क है वो बाहर से ड्राई है, इस तरीके से बाहर से ड्राई है। इसके साथ भी आपको स्टिकर्स मिलेंगे और ये भी जो है वो 2 पैक में जो है वो इस तरीके से 2 पैक में है। ये देखें ये डबल पैक है और आपको सेंटर से जो है वो उसको काटना होगा। सो लेट्स कट इट। काटने के बाद अब आप देख सकेंगे कि अभी भी जो है या ये सील इसका बंद है, इसका भी जो सील है वो बंद है, तो इसके अंदर थोड़ी सी जो है वो जगह बनानी है हाथ को इंसर्ट करने के लिए। ओके, अब आप देख सकते हैं इस जब आप इसको खोलेंगे तो इसके अंदर एक अगेन इसके अंदर एक टिश्यू नुमा जो है वो शीट मास्क मौजूद है। टिश्यू नुमा ये इस तरीके से देखने में जो है वो वीडियो में बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये कि जब आप खोलेंगे तो इसके अंदर एक टिश्यू नुमा शीट मास्क मौजूद है। आप इसको एज अ ग्लव इसको आप जाहिर है टिश्यू वाला जो साइड है वो आप इसको अपर जो आपका हाथों का अपर का हिस्सा है और हाथों का नीचे का हिस्सा, उस हिस्से में आप दोनों तरफ से जो है वो टिश्यू को ऊपर नीचे जो है वो आपका होना चाहिए टिश्यू वाला हिस्सा। इस तरीके से जो है वहाँ आप अपने हाथों को ग्लव्स की तरह जो है वो इसको पहनेंगे और इसके बाद इसको सील कर लेंगे विथ द स्टिकर। ओके
ओके गाइस, अब ये दोनों जो हैं वो हाथ मैंने इन मास्क के अंदर लेफ्ट एंड राइट में टिश्यू के दरमियान वाले हिस्से के अंदर मैंने अब इसको लपेट लिया है, अच्छी तरीके से टाइट तरीके से इसको पैक कर लिया है ताकि मेरे हाथ जो हैं वो ज़रा इस मास्क के अंदर अच्छे तरीके से जो सीरम है और जो इसके अंदर जो 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 क्रीम्स और जो इमोलियंट्स मौजूद हैं वो अच्छे तरीके से मेरे हैंड को कोट कर सकें और फिर अपना जादू जो है वो मेरे हाथों पे दिखा सकें। सो अब जो है ये ख़ास तौर पे इसको भी जो है वो आपको 15 से 20 मिनट तक जो है इसको जो है वो आपको एटलीस्ट आधा घंटा पौना घंटा जितना भी टाइम आप दे सकते हैं आराम से इसको आप छोड़ दें अपने हाथों के ऊपर। अब जाहिर है इसके साथ बहुत ज़्यादा काम करना जो तो मुश्किल है, लेकिन ये है कि आप सोने से पहले कोई वीडियो लगा के आप आराम से जो है वो आधा घंटा बैठ जाएं और इसके बाद आप इसको आधे घंटे के बाद इसको रिमूव करें और इसको आपको रिंस और इसको उतारने के बाद आपको इसके सीरम को जो है वो रिंस करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये ऑलरेडी एक सीरम और जो क्रीम और इमोलियंट्स जो इसके अंदर हैं वो आपके हाथों को क्योंकि नरम और मुलायम वैसे ही कर रहे हैं, तो जो भी आपके हाथ के ऊपर रह जाएगा इसको आप अच्छे तरीके से फिर से मल लें ताकि अच्छे तरीके से वो अब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, तो ये थी मेरी पूरी रेंज ऑफ मास्क जिसके अंदर हेयर मास्क, फुट मास्क, हैंड मास्क एंड 5 डिफरेंट वराइटीज़ ऑफ फेस मास्क मौजूद हैं। मेरे लिए तो ये एक ट्रीट होता है जब मैं अपने पाँव पे और हाथों पे और बालों पे और फेस पे मास्क लगा के बैठ जाती हूँ। इट इज़ रियली लाइक मी टाइम एंड आई फील सो गुड एंड उसके बाद मेरी स्किन जो है वो कितनी ग्लोई हो जाती है। या पहले भी जो है वो मैं आपको अपनी मल्टीपल वीडियोज़ में शीट मास्क के साथ वीडियोज़ दिखा चुकी हूँ और बहुत सी आपकी क्वेरीज भी आई हैं कि जी ये शीट मास्क कहाँ से मिलेंगे। अब आपको शीट मास्क जो है वो मेरी ही वेबसाइट विच इज़ www.blingbynadiahussain.com इसका लिंक भी जो है वो आपको नज़र आ जाएगा, यहाँ से आपको ये मास्क मिलेंगे और वहाँ से जाके आप प्राइस भी चेक कीजिए। सो गाइज, इन्जॉय योर सेल्स एंड ट्रीट योर सेल्स, ख़ास तौर पे इस अपकमिंग विंटर के सीज़न में आप ज़रूर अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड द बेस्ट वे एंड द मोस्ट फन वे टू डू इट इज़ विद दीज मास्क जो कि मैंने आपको दिखा दिए हैं। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अगली वीडियो तक जो है वो इंतज़ार कीजिए। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं और बहुत सारी जो है वो मैं आपको थैंक्स कहती हूँ फॉर योर ट्रिमेंडस सपोर्ट। थैंक यू सो मच एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।